जो गन्ने परमिट के लेकर धरना टिके है मिल गेट के ऊपर, आज इसका चौथा दिन है और अभी तक किसी की भी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। सरकार भी कुंभकर्णी नींद सो रही और मिल मालिक भी। आज किसानों में इतना क्रोध था कि सीएम खट्टर का और मिल मालिक विनोद का दोनों का पतला फूका है मिल गेट पर, और कल सिर का मुंडन कराएगा, क्रियाक्रम पे बैठ जाएंगे। इतना इनका क्रियाक्रम नहीं होता और गन्ने की पेमेंट की एक एक पैसा ब्याज सहित नहीं मिलता, इतना धरने पे बैठे रहेंगे। नाम मात्र कल इनका जो एमडी है रविंदर चोपड़ा मिल का, वो आया था, उसने उससे कहा भी कब पैसे देंगे कैसे देंगे, तो उसने एक बात कही कि जैसे जैसे चीनी बिकेगी वैसे वैसे पैसे देंगे, चीनी बेच के ही पैसे दे सका, ऐसे तुम्हारे पे कोई जरिया नहीं है। और अब मैं कहा आपसे रिक्वेस्ट करूं आप हमारी चीनी जान दो बाहर, लेकिन हमने कहा भाई चीनी दे तो पैसे मिलते, चार महीने खुला था गेट भी, आप चीनी बेच के हमारे पैसे दे सका दे, पैसे तो आपने वैसे देना पड़ेगा, चीनी आपके पास है फिर इसना बेच के अपने पैसे पूरे कर लियो। और हम इनकी इंतजार कर रहे, नहीं तो बुधवार को इतना बड़ा आंदोलन होगा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसान किसी भी हद तक जा सकता है, बड़ा कदम उठाएंगे, इतना बड़ा आंदोलन होगा किसानों। हर मानस के इच्छे में हर मानस के भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन धरती पर धरती पर तूफान रहेगा।